जो है आज ये जो वॉशिंग पाउडर है इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी बना दी, इसी के अंदर भी तीन लेकर के आ रहे हैं क्योंकि सबकी परचेजिंग पावर एक जैसी नहीं होती है, तो तीन वेरिएंट इसके अंदर लेकर के आ रहे हैं। और इसकी भी कैपेसिटी अपनी वो जो है लगभग 100 टन के आसपास सभी चीजों की कैपेसिटी, 70 से 100 टन के आसपास अपने पास में सभी चीजों की कैपेसिटी। डिटर्जेंट के भी तीन वेरिएंट लेकर के आ रहे हैं। ये सारी चीजें विदेशी कंपनियों से सस्ता और उनसे अच्छा विकल्प हर एक चीज का। इसी तरह से अपना जो है, ये तो मैंने कुछ बातें की आपको जो है डिटर्जेंट की पाउडर की, और इसकी जो क्षमता है और उसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास। आपने पतंजलि आयुर्वेद की निर्माण इकाई को देखा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखा है, लोग आकर के कहते हैं इतनी बड़ी यूनिट तो इस देश में हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी कोई नहीं है। मैंने कहा आप लोगों के दिमाग में कचरा कहां से घुस गया कि विदेशी लोग ही अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तानियों के भीतर एक ऐसी कुंठा ने जन्म ले लिया है कि जो अच्छा है वो विदेश का है, जो घटिया है वो हमारा है। हर काम में सबसे अच्छा वो हमारा काम होगा, ये हमें ये संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना, और उसको हमने स्थापित किया है। सबसे अच्छी संस्कृति हमारी, सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति हमारी, सबसे अच्छी शिक्षा पद्धति हमारी, सबसे अच्छे उत्पाद हमारे, सबसे अच्छे इंसान हमारे, सबसे अच्छी बहने भारत की, सबसे अच्छी भौवें भारत की, सबसे अच्छी गायें भारत की, गोमाता भारत की सबसे अच्छी, माताएं भारत की सबसे अच्छी, गंगा माता भारत की सबसे अच्छी, वेद माता भारत की सबसे अच्छी, सरस्वती माता भारत की सबसे अच्छी। भारत से अच्छा पूरी दुनिया, जो अच्छा है वो भारत का है, जो कचरा है वो बाहर का है। तो भारत, भारतीयता पर इतना गौरव हमें होना चाहिए और इस बात को हमें जन जन तक प्रतिष्ठापित करना प्रामाणिकता के साथ। और भारत में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं था। यहां फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बन गई, फूड पार्क बनाए कौन, बोले ये तो काम कोई कर ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। हमने काम करेंगे, आज जितना उसका बड़ा स्वरूप है और जो उसका दिव्य स्वरूप है, आज अपनी तरह का सबसे बड़ा फूड पार्क, क्योंकि विदेशों में जो फूड पार्क बने उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है, आज दुनिया का सबसे अच्छा सबसे बड़ा फूड पार्क वो बनाया है। और उसकी कैपेसिटी 1,000 टन से ज्यादा की पड़ेगी, जो उसके अंदर जूसेज है, आंवला एलोवेरा का जूस है और दूसरी चीजें हर एक चीज। और मैं चाहूंगा कि जिन लोगों के भीतर कुंठा रहती है थोड़ा, वो आकर के एक एक यूनिट को देखें, अपनी जूस यूनिट को देखें, तो पता लगेगा लोगों को कि भारत में भी हो सकता है। लोग आकर के, मिनिस्टर्स आकर के बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर्स आकर के बोलते हैं, वैसे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भी आने की योजना थी लेकिन हमने पंगा ले लिया है। आज हम ये पंगा बंद कर दें तो फिर सब आ जाएंगे लेकिन हमने पंगा देश के लिए लिया है और हम इस पंगे को जहां तक इसका अंजाम है वहां तक पहुंचा करके छोड़ेंगे और इस भारत को इस पूरे लूटतंत्र से बचा करके रहेंगे, चाहे वो राजनीतिक लूटतंत्र है या व्यापारिक लूटतंत्र है। ये बहुत बड़ी बात है। आज च्यवनप्राश की अपने पास में आज कम से कम 50 टन से ज्यादा बनाने की कैपेसिटी है। और च्यवनप्राश जो बनाया गया वो ऋषियों की पद्धति से बनाया गया। ये अक्सर जो विदेशी कंपनियां सामान बेचती है ना, तो उसके पीछे एक स्लोगन होता है, कृत्रिम भूख पैदा करो और सपने दिखाओ। ऐसे अब किसी साबुन का ऐड देते तो ऐसे कि मानो बस धरती पर स्वर्ग आ गया हो। इसको बोलते हैं सपना। अब लक्ष्य साबुन का और तंदुरुस्ती का क्या संबंध, हेलीकॉप्टर से कूदने से क्या मतलब उसका, हेलीकॉप्टर से कूदते और लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती हमें है। अरे भाई घी खाने से तंदुरुस्ती आती है, हमने तो सुना था, दूध पीने से तंदुरुस्ती आती है, भाई लाइफ बॉय खा करके तंदुरुस्ती आएगी, ये कोई खाने पीने की चीज से तंदुरुस्ती आती साहब। लेकिन वो ऐसे स्लोगन दिखाए तो विदेशी कंपनियों का पूरा जो, देखो विदेशी कंपनियां हमारे यहां मात्र नहीं आती, खाली आर्थिक की लूट नहीं होती है, उसके बाद हमारी मां बहन बेटियों को बाजार का उत्पाद बनाती है, उनको बिकाऊ सामान बनाती है, वो एक बहुत बड़ा जो है एक संस्कृति हमारे यहां पर लेके आती है। तो
आज हमने च्यवनप्राश प्रामाणिकता के साथ बनाया। अभी इसमें कुछ देसी कंपनियां भी गड़बड़ कर रही हैं, अपने योग और आयुर्वेद को बदनाम कर रही हैं, स्वदेशी के दर्शन को बदनाम कर रही हैं। हमने जो कमीशन है, लाभांश है, वो इतना दिया कि जिससे कि ये तंत्र चलता रहे पूरा, क्योंकि अब व्यापारी व्यापार में अपना पैसा का निवेश करता है, वो सारे संसाधन लगाता है। हमने एक बहुत लिमिटेड मात्रा रखी, माने एक तरह से ये एक ये व्यापार तंत्र नहीं है, एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा आंदोलन है। हमने च्यवनप्राश दिया, जहां जिसने ये च्यवनप्राश खा लिया वो दूसरा च्यवनप्राश उसके गले के नीचे नहीं उतरता। जिसने एक बार ये टूथपेस्ट प्रयोग कर लिया, दूसरा टूथपेस्ट उसका करने का दिल ही नहीं करता। हमने इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं डाली कि उसको हैबिचुअल हो जाए लोग, हमने हैबिचुअल होने के लिए कुछ नहीं डाला, लेकिन एडिक्ट होने के लिए कुछ नहीं डाला। हमने उसके अंदर विशुद्ध रूप से जो प्रामाणिकता के साथ जो चीज थी वो दिया। अब ये च्यवनप्राश की कैपेसिटी अभी 50 टन की इस समय वर्तमान में है, ये 100 टन तक की कैपेसिटी हम कर देंगे अगले इस साल के अंत तक, ये हो जाएगा। और एक एक यूनिट की हम बात करें, आज जो है विदेशी कंपनी अपने यहां पर नमक से लेकर के आटा तक सब में घुस गई है, मसाले तक सब में घुस गई है। पता नहीं कौन कौन से नए नए विदेशी नाम उनके हैं, एक बहुत बड़ा तंत्र उनका चल रहा था, हमारे पास में क्या। तो आज आटा बनाने की अपनी जो कैपेसिटी है वो कितनी है पर डे की, 100 टन, 100 टन आटा बनाने की इस समय क्षमता, और वो ऐसा आटा बनाने की क्षमता है। आटे के अंदर जो क्रायोजेनिक सिस्टम होता है, जो ठंडा कर करके पीसने का, मसाले के लिए तो लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि उससे उसकी क्वालिटी बनी रहती है, आटे के लिए कोई प्रयोग नहीं करता है, वो पहली बार हम लोगों ने ही यूज किया है और हमारे यहाँ वो सिस्टम है। तो वर्ल्ड का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग उसको अपनाया हुआ है। तो गुणवत्ता के दो मानक होते हैं, रॉ मटेरियल की अच्छी क्वालिटी प्लस बनाने की जो प्रक्रिया है वह बहुत अत्याधुनिक और विशुद्ध हो, तो उस तरह से बनाते हैं। और उसमें मसाले में भी कितने, मसाले में 50 टन लगभग हम प्रतिदिन बना सकते हैं अभी, और दलिया भी 80 टन के लगभग दलिया बना सकते हैं, और दलिया में भी और आटे में भी। आप लोगों की जानकारी के लिए ITC ने अभी शायद वो 5 अनाज या 7 अनाज की बात अब वो लोग कर रहे हैं हमारे को देख करके। हम लोग अभी का 3 साल से ही 9 अनाजों का आटा बनाते हैं, और उसके पीछे हमने काफ़ी रिसर्च किया है कि जनरली जैसे लोग शहरों में, हालांकि अभी रिसर्च हो गया है कि वो कैल्शियम आयरन और विटामिन की जो टैबलेट्स लेते हैं वो बहुत ही खतरनाक और बहुत हानिकारक है। ये तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी ये बातें आई हैं, श्रद्धेय स्वामी जी बरसों से इस बात को कहते थे, और हम लोगों ने उसी समय पर कि जैसे किसी को कैल्शियम की ज़रूरत है तो आप सिंगाड़े का आटा खाइए, चौलाई का आटा खाइए, आयरन आपको चाहिए तो मडवा का आटा ले लीजिए, तो बाजरे का आटा ले लीजिए। तो कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स के लिए हम अनाज के रूप में लें, न कि टैबलेट के रूप में लें। उससे टैबलेट के रूप में लेते हैं तो उसका लाभ बड़ी बड़ी दवा कंपनियों को मिलता है, यदि हम अनाज के रूप में लेते हैं तो उसका लाभ किसानों को मिलता है। तो उससे किसानों के जो अनाज है उनका एक मार्केट बनता है, तो वो पैदा करेंगे, जो सूखे में पैदा होने वाले अनाज हैं, कम पानी पर पैदा होने वाले अनाज हैं, आज भी जिनके बीज देसी बीज हैं, उस बीज को हम पैदा करें, किसान उगाए और लोग खाएं, तो जो शहर का पैसा है वो गांव में जाएगा, गांव के लोगों के जीवन के जो जीवन का स्तर है, जीवन की जो उनकी स्थिति है उसमें उससे फर्क पड़ेगा। इस स्वदेशी जो दृष्टि है वो बहुत विशाल और व्यापक है, उसको बहुत विशालता के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना होगा, हमें समझना होगा। छात्र व्यवसाय इसके साथ हम राष्ट्र की सेवा किन किन रूपों में कर रहे हैं ये आपको भी समझना होगा। तो ये दर्शन अभी श्रद्धेय स्वामी जी बताएंगे सब। तो स्वास्थ्य और समृद्धि, माने उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य मिले और जो गांव गरीब मजदूर किसान जो खेत खलिहान में काम कर रहा हो उसको भी समृद्धि मिले। और आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे तो आप ज्यादा समृद्ध होंगे, आप बीमार रहेंगे तो आपकी उत्पादकता भी कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इस स्वास्थ्य और समृद्धि का एक बहुत बड़ा मंत्र है योग और आयुर्वेद का ये पूरा कार्य। लोग आकर के देखते थे, बोलिए ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आटा बनाने का, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर
ये मसाले बनाने का। तो जो मसाले बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनके यहां पर जो है, जो क्या बोलते हैं मार्केटिंग की भाषा में उनको, उनकी CMD और उनके जो है मार्केटिंग हेड्स, वो सब आकर के देख करके भौचक के रह जाते थे, ये क्या इतना बड़ा, और ये खड़ा किसने किया? बोले आचार्य जी ने। बोले इनकी डिग्री क्या है? बोले गुरुकुल के पढ़े हुए, वेद के पढ़े हुए। बोले वेदों में लिखा है? मैंने कहा वेदों में लिखा है। हम लोग कोई ये MBA करके आए हुए नहीं है, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी है आजकल जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, अपने बच्चों को भी बाहर पढ़ाते, कहा ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते, और वहां के फेल किए हुए यहां पर राजनीति में पास होना चाहते हैं। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोडक्ट हैं वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं बना सकते, और जिनके भीतर हिंदुस्तानियत है, जिनके भीतर अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का गौरव गर्व है, वो इस देश को आगे बढ़ा सकते। भाई बहनों, ये जो कार्य चल रहा है पूरा, मैंने खाली मसाले की बात नहीं की, खाली आटे की बात नहीं की, दलिये की, यहां एक नई परंपरा जरूर शुरू हो गई इस हिंदुस्तान में। पहले सुबह उठ करके लोग चाय पीते थे, अब सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पीने लग गए करोड़ों लोग। ये परंपरा है, चाय हमारी परंपरा नहीं थी, हाँ आंवला एलोवेरा का जूस हमारी परंपरा है। कभी कोई सोच नहीं सकता था हिंदुस्तान में हो सकता है। अब सरकार भी ऐड देने लगी, सरकार भी विज्ञापन देने लग गई, आंवला पियो एलोवेरा पियो सपोर्ट करके। जो ये जो कॉलेज होते हैं जो मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में सिखाते हैं, वहां पर एक चैप्टर हो गया पतंजलि योग पीठ का, ये सेवाएं कि ये कैसी चीजों को स्थापित किया जाता है समाज के अंदर, स्वस्थ परंपराओं को। एक तो ये होता है भाई, आपको नशे को कैसे प्रमोट करना है, बीड़ी को, सिगरेट को, शराब को कैसे प्रमोट करना है, विषयवृत्ति को कैसे बढ़ाना है, जुए को कैसे बढ़ाना है, स्वस्थ परंपराओं को समाज में कैसे स्थापित किया जा सकता है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 5 साल पुरानी बात है। 5 साल पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं सोचा था कि लाखों करोड़ों लोग सुबह उठ करके कपाल भाती अनुलोम विलोम करेंगे, तो पहले करवा दिया था, लेकिन करोड़ों लोग सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पीने लगेंगे, ये नई परंपरा हिंदुस्तान में शुरू हुई है पिछले 5 वर्षों से। स्वस्थ परंपरा, जरूरी परंपरा। फिर अब इसका इतना बड़ा बाजार बन गया, तो बोले अब ये तो, पहले तो कोई हिम्मत नहीं करता था कि हिंदुस्तान में 100 टन आंवला का जूस रोज खप सकता है, 100 टन आंवला एलोवेरा का जूस भी लोग रोज पी सकते, दारू पी सकते हैं। मैंने एक दिन देखा कितना, 1 करोड़ टन कितना शराब रोज पी जाती है। मैंने एक अखबार में, वहां था आज का आनंद अखबार पढ़ रहा था, मैं पूना में था, वो मैंने कटिंग निकाल के रखी हुई, अभी लेकर ही नहीं आया। हिंदुस्तान में इतनी शराब पी जा सकती है, इसके लिए तो पूरे स्ट्रेटेजी बनती थी और इसको कैसे बढ़ाए, लेकिन आंवला एलोवेरा का जूस हिंदुस्तान में लोग पी लेंगे, इसकी कोई सोच ही नहीं सकता था। हमसे लोग बोलते थे कि स्वामी जी आप लोग पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा कैसे? बोले कहे कौन पिएगा ये इतना जूस, आप लोगों ने बना दी इतनी कैपेसिटी, 100 टन आंवले का जूस, 100 टन एलोवेरा का जूस। मैंने कहे कम पड़ेगा। और आप देखना, इसी साल ये पतंजलि आयुर्वेद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कम पड़ जाएगा, दूसरी यूनिट से लगानी पड़ेगी इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के 4 कोनों पर 4 फूड पार्क ऐसे बनेंगे जैसे पतंजलि फूड पार्क बना है, ये भविष्य के प्लान बता दिया आपको। तो जैसे आज शंकराचार्य जी ने हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए, अपने धर्म अध्यात्म को बचाने के लिए 4 पीठों की स्थापना की ना, तो ये आर्थिक लूट से बचाने के लिए 4 पीठ बनानी पड़ेंगी। ये आर्थिक लूट से बचाने के लिए 4 पीठ तो बड़ी होंगी, फिर उनकी जो है वो जो है क्या बोलते हैं सिस्टर कंपनियां, तो उनके फिर जो है उनसे लोग सीखेंगे। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये बड़ा तंत्र बनाना पड़ेगा, छोटा पड़ जाएगा, लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे ऐसा हो सकता है। बात तो यह है कि कई बार तो मैंने भी ऐसा सोचा, ये इतना बड़ा बन तो रहा है, ये इसका होगा क्या? दूसरों को तो आश्चर्य होना स्वाभाविक था, 1% हमारे भी मन में कभी होता था कि हमारे देश में ये स्वस्थ परंपराओं को स्थापित करना। ऐसे तो हम लोग तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और वहीं से यहां इसलिए यहां पहुंचे, लेकिन अब जो है जब चीजें खड़ी हो चुकी हैं,
ये तो आपको मैंने जो है खाद्य उत्पादों की बात की, आज मुरब्बा यूनिट आप देखेंगे जाकर के, एक बहुत बड़ा तंत्र उसके लिए खड़ा किया गया और इसके पैरेलल पूरे देश में षड्यंत्र भी चलते रहे। बोले जब ये दवाइयां कहां बनाते हैं, इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये तो अच्छा हुआ, भला है एक पहली माताजी का जिसने आयुर्वेद के बारे में सारा भ्रम तोड़ दिया, क्योंकि जब एक माताजी ने हम पर आरोप लगाए पहले तो सारे न्यूज चैनल आ गए, उन्होंने दिव्य फार्मेसी को दिखाया, अरे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहां, तो लोग कहते थे ये दवाइयां कहीं से इधर उधर से बना बुनो करके पैक करके दे देते हैं। जब पूरे दुनिया के सारे मीडिया के लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा अरे ये दिव्य फार्मेसी में तो 5 करोड़ गोली बनाने के रोज की कैपेसिटी है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे आयुर्वेद में कभी इतिहास में नहीं हुआ और शायद भविष्य में कोई नहीं कर सकता, ये तो इतनी बड़ी यूनिट है। और उस जब देखा कि यहां तो इतना टन चूर्ण बनाने की कैपेसिटी है, इतना टन जो है वो गोलियां बनाने की कैपेसिटी है, इतना टन जो है वो क्वाथ बनाने की कैपेसिटी है, इतना टन इसके अंदर जो है भस्म बनाने की कैपेसिटी है, अब सारी जो यूनिटें हैं भस्म बनाने की यूनिट जब देखते हैं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो इतने इतना बड़ा खरल है, वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इतना बड़ा खरल नहीं होगा। एक खरल की कैपेसिटी कितनी है, 5 टन। अब 5 टन अब उसके अंदर खरल में घूम रहा है गोल गोल, 1.5-2 टन ऐसे बड़ी बड़ी खरल, और वो जब अब 1.5-2 टन जब घुटता हुआ उसके अंदर देखते हैं तो कहते हैं क्या हो रहा है, ये भस्म तैयार हो रही है, किसके लिए हो रही है, देशवासियों के लिए। अब मोती पिष्टे हमने शुरू में उपलब्ध कराई, लोग बोलते थे ये हो ही नहीं सकता कि 300 रुपए और सबसे सस्ती हीरे की भस्म से लेकर के मोती पिष्टी तक, मोती पिष्टी 300 रुपए की 1 ग्राम बाजार में बेच रहे थे, हमने 30 रुपए की 1 ग्राम, एलोवेरा 1200 रुपए बेच रहे थे, हमने 200 रुपए का उपलब्ध कराया, लोगों ने अपने 300 कर दिए, अब उन लोगों ने भी फिर अपने 600 किए, अब 300 पर आ गए। तो इस देश का कई रूपों में फायदा किया। तो मैं बात आपसे कह रहा था